जनपद संभल के चंदोसी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विनोद सविता का सतीश प्रेमी के आवास पर फूल माला पगड़ी तथा शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया तथा उन्होंने पत्रकार वार्ता कर अखिलेश यादव सरकार की उपलब्धियां तथा भाजपा सरकार की नाकामियों पर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम में राजेश कुमारी यादव, ओम प्रकाश प्रजापति, संजय मदान, मुन्नालाल शाके, मास्टर आकिल, बबलू चौधरी, हृदेश कुमार, कपिल देव, संजीव गौतम, सुमित श्रीवास्तव, हरज्ञान सिंह पाल आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। समाजवादी पार्टी मैदान में उतरने वाली नहीं, उतर चुकी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पूरे 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो बहनों के साथ बलात्कार हुआ, जो लूट की घटना हुई, डकैती की घटना हुई, हत्याएं हुई, इतना कोई जिला उत्तर प्रदेश का नहीं है जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है कि ये इस तरह की घटना ना हुई हो। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि गैस का सिलेंडर हो, चाहे वो डीजल पेट्रोल हो, और इसके अतिरिक्त कोई ऐसी चीज़ नहीं जो महंगी ना हो। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता, जो गरीब वर्ग है, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का है, वो इतना पीड़ित परिवार है कि वो परिवार को चलाने में सक्षम नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने, बल्कि कल अमित शाह जी ने कल कहा है कि उत्तर प्रदेश में जब कोरोना चल रहा था तो अखिलेश जी कहाँ थे। मैं अमित शाह जी से आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि सरकार किसकी है, उत्तर प्रदेश में सरकार है किसकी। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के कोरोना के समय में उत्तर प्रदेश की जनता को कोई समुचित इलाज नहीं कराया, और यह स्थिति थी कि कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं था, ताबड़तोड़ लोगों की मौत हो रही थी। देश का कोई दिल्ली का ऐसा हॉस्पिटल नहीं था, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे थे। उस वक्त वो जो विपरीत स्थिति थी, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं को, जिला अध्यक्ष विधायकों को निर्देश दिया था कि किसी भी व्यक्ति के प्रत्येक परिवार के घर पर जाइए, और समाजवादी पार्टी के लोगों ने लोगों की उनकी इलाज में व्यवस्था में सहयोग किया, आर्थिक रूप से उनके घरों पर गए, उनको खाने पीने की व्यवस्था की। यह केवल समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया, किसी दूसरी पार्टी, भाजपा, आरएसएस नहीं थी। इन्होंने लॉकडाउन एक साथ घोषित कर दिया बिना सोचे समझे। हजारों लोग देश की राजधानी से उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, गरीब लोग निकल पड़े 700 से 800 किलोमीटर। उस वक्त अगर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर कोई मदद के लिए आया था, वो समाजवादी पार्टी आई थी माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर। और ये अमित शाह जी कहते हैं कि 24 घंटे बहनें घूमें, स्कूटी पर घूमें। मैं पूछना चाहता हूँ अमित शाह जी कि कौन सी बहन 12 बजे के बाद निकलती है। आगरा में पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है, आप लोगों के माध्यम से हमको पता लगा है, बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि शाम को 6 बजे के बाद महिलाएं, हमारी बहनें घर से बाहर ना निकलें, वो सुरक्षित नहीं है, या तो अपने पति या अपने भाई के साथ निकलें। तो अमित शाह जी, हम समाजवादी पार्टी, आज मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विनोद सविता जी आपके आवास पर आए, तो क्या प्रोग्राम था आज? हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विनोद सविता जी का संभल जनपद में आगमन था, और वे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जो सविता समाज है, नाई समाज है, उसमें जागृति लाने के लिए चौपाल के माध्यम से वो निकले थे, और उसी दौरे में आज वो संभल जनपद में आए थे। उन्होंने बैजोई में संभल में चौपाल लगाई, अपने समाज के बीच लोगों को जागृत किया। उसी परिप्रेक्ष्य में मेरे यहाँ आज मेरे निवास पर भी आए थे, और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया, पगड़ी पहना करके, शॉल पहना करके, फूलमालाओं से। उन्होंने जो पत्रकार वार्ता की है, उसका मकसद केवल यह है कि प्रदेश में जो जन विरोधी सरकार है भाजपा, जिसने किसानों का, नौजवानों का, छात्रों का, दलितों का, पिछड़ों का, जो सबका अहित करने का काम किया है, वो सरकार यहाँ से जानी चाहिए, क्योंकि विगत चुनाव सन्निकट है, 6 महीने में है। और अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के लिए हम सब लोगों ने संकल्प भी लिया, उनको स्वागत भी किया था कि जब तक अखिलेश यादव जी नहीं आएंगे, न तो इस प्रदेश में कानून का राज बचेगा, न संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। यही मकसद था आज हमारा।